हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? आज नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जो आपका अभी तक चला नहीं था, उसे स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद या ऐसे चलाने से पहले या फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, वो ये है कि काफ़ी बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे, वो पढ़ाई में रेगुलर नहीं, ये शिकायतें मेरे पास काफ़ी बच्चों की गार्जियंस के द्वारा मेरे पास आ रही है। बच्चे का सोचना है कि स्कूल खुलेंगे और फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी, दोबारा फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर कराया जाएगा, तब देख लेंगे, तब पढ़ेंगे, तो वो बच्चे आगा हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सिलेबस आपको यहाँ करा दिया जाएगा वो रिपीट नहीं होगा पहली बार, तो सीरियस हो जाइए भैया। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल वाले मेहनत कर रहे हैं, बेकार की मेहनत कर रहे हैं, फालतू कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, गार्जियन ये समझ रहे हों, वो इम्पोर्टेंस ना दे रहे हों ऑनलाइन क्लासेस को, तो वो अब गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़े डाउट में है वो अपने बच्चे का स्वयं का नुकसान करें। मैं प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वो यहाँ पर जो कराया जा रहा है उसे रेगुलर अपने बच्चे को दिखाइए। ये बहाने बहुत आ रहे हैं हमारे पास, कईयों के पास आ रहे हैं कि सर मोबाइल चलाया जाता है, भैया इस सारे काम करने पड़ते हैं, मजदूरियाँ सबके सामने, हमारे सामने मजदूरी है, आपके सामने भी है, तो उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करिए, आप कॉपरेट करिए, अगर बच्चे का भविष्य के बारे में सोचना है प्लीज। बिल्कुल हाँ, मैंने चंद्रेश जो हेड बॉय है बहुत लूज है आपका, मैंने देखा है आप पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी। राहुल क्लास एट, राहुल क्लास एट, चंद्रेश बहुत पुअर कंडीशन चल रही है आप लोगों की, आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो वीडियोस। आने वाले ऑनलाइन जो क्लासेस के यूनिट टेस्ट होंगे उसमें आप फेल हो जाओगे, और ये कहते ही ना सोचे कि बस ऐसे ही पिछली बार क्लासेस को प्रमोटेड कर दिया था गवर्नमेंट ने बिना एग्जाम के, तो इस बार भी हो जाओगे, ऐसा कोई नहीं है। इस बार ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो ऑनलाइन टेस्ट भी ले लेंगे और उसी टेस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन और डिप्रमोशन होगा, तो ये फितूर निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट ने कर दिया है, हर बार पास होते चले जाएंगे। गवर्नमेंट भी जानती है, वो भी समझती है कि बिना पढ़ाई के प्रमोशन हर बार इम्पॉसिबल है, समझ आई बात सभी को बेटा? तो पढ़िए, कोई भी डाउट हो कभी भी पूछिए, हमने इतनी छूट कर रखी है अब तो आपके लिए, और आने वाले दिनों में एक ऐप दे दिया जाएगा उसमें लाइव चैट करोगे आप उनसे, वो कौन कर पाएगा जो नोटिस मैंने दिया है, उसका वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर आज चैप्टर लेंगे एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पीएसए के अंदर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके लिए, ये ध्यान रखें, अब मैं होमवर्क भी दूंगा इसमें। तो देखिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में क्या चीज होती है, बहुत ही छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत ही छोटा उसे समझ जाओगे आप। ये देखो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, सीक्वेंस क्या होता है और वर्ड शब्दों को एक क्रम में लगाना, और वो भी कैसा, एक लॉजिकल कोई क्वेश्चन दे रखा हो उस शब्दों को एक क्रम में लगाना, एक सही क्रम में लगाना, ताकि उसका एक सार्थक अर्थ निकले, एक मीनिंग निकले। ठीक है, कैसे? मैंने लिखा है फ्रूट, सीड, प्लांट, ट्री, फ्लावर, बोर्ड पर नजर आ रहा है, मैं बोर्ड से हट रहा हूं और देखिए एक बार, आया सभी को नजर? अब देखो फ्रूट क्या होता है, फल, सीड क्या होती है, बीज, प्लांट क्या होता है, पौधा, ट्री होता है पेड़, और फ्लावर होता है फूल। इसको एक सही क्रम में लगाना है इस पृथ्वी पर, धरती पर, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट फल आता, ऐसा तो नहीं है ना। सबसे पहले क्या चीज आपको नजर आती है, सबसे पहली चीज नजर आई क्या, सीड, बीज, तो नंबर वन सबसे पहले क्या आ जाएगा,
सीड बीज आएगा। आप जमीन में सबसे पहले क्या लगाते हो, बीज डालते हो। मैंने चैप्टर साइंस में भी कराया था कि आप प्लोइंग करते हो, लेवलिंग करते हो, फिर सीड अंदर डालते हो, फिर उससे क्या होगा, अंकुर बनेगा, प्लांट पौधा बनेगा। क्या बनेगा सेकंड, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, प्लांट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, प्लांट पौधा बनेगा। बीज डाल दिया, पौधा बना, पौधे के बाद क्या बना, पेड़। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ट्री। अब एक विशाल पेड़ हो गया, एक बड़ा सा पेड़ हो गया। सपोज मान लीजिए मैंगो ट्री की हम बात करना एक तरीके से, तो पहले मैंगो अगर पेड़ में एक आम खाना है, सबसे पहले क्या सीड डाल दी जमीन, पौधा बन गया, पेड़ आ गया, फिर उस पर क्या होता है, फूल आएगा, बौरा जिसे कहते हैं, बौर जिसे कहा जाता है। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, फ्लावर। और जब फ्लावर होता है, फूल होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आया ना मजा। मजेदार ऐसे ही पीएसए के अंदर रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर कराएंगे, लगातार लगे रहिए। और वीडियोस को आगे देखने से पहले लाइक कर दो, व्यूवर्स थोड़े कम आ रहे हैं, व्यूवर्स बढ़ाइए, लाइक करिए। और सभी मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना। सीड हो गया, सीड के बाद एक प्लांट बन गया, प्लांट के बाद ट्री हो गया, ट्री के बाद फ्लावर हो गया, फ्लावर के बाद एक फ्रूट हो गया। रफ नोटबुक निकाल लीजिए और उसकी एक फेयर नोटबुक आप बनाओगे, ध्यान कर लेना, फेयर नोटबुक। और उस नोटबुक के ऊपर लगोगे पीएसए। किसकी नोटबुक बनाओगे, एक नहीं पीएसए की, एक नया सब्जेक्ट आपका चालू हो गया है, आज से सैटरडे को ही कराया जाएगा जीके के साथ, सैटरडे और वेनसडे दो दिन चला करेगा ये, तो दो दिन तैयार रह करिएगा इसकी नोटबुक लेके। एक नोटबुक बनाइए, आज रफ कॉपी में काम करना, कल से इसका फेयर में काम कर लेना। पहला चैप्टर डाल लीजिए, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स नंबर 1। कोई बात नहीं, अगर किसी के पास बुक है या नहीं है, नहीं है तो परचेज बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कर लो तो ज्यादा फायदा रहेगा। चैप्टर का सीक्वेंस देखे घबराए नहीं कि सर हमारे बुक में चैप्टर आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ से चैप्टर उठाया, चैप्टर वहां देख लेना कि सीरियल में है, उसी चैप्टर को करना। तो ये हो गया, उतार लिया सभी ने, वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल देखो, चलो मुझसे पहले करने की कोशिश करना, मुझसे पहले करने की कोशिश करना, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा और इमेजेस दूंगा। क्लास 5th और 6th में साइंस कराया था, उसकी इमेजेस नहीं आ पाई आपके पास, वीडियोस आ चुकी थी, आज उस एक्सरसाइज की इमेजेस भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलिए ये देखिए, लिखा है कर्ड ग्रास बटर मिल और का। वाह मजा आ गया, बताओ भाई सबसे पहले इस सीक्वेंस में क्या चीज बन रही है, कितना आसान है। आपके पास दही है, घास भी है, मक्खन भी है, दूध भी है, और एक बहुत ही अच्छी वैरायटी की एक गाय भी, जर्सी गाय, बहुत अच्छा दूध देती है, जर्सी गाय, हाइब्रिड वैरायटी होती है, जर्सी गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, 30-30 लीटर तक जर्सी गाय दूध देती है, ध्यान रखना। एक चीज और बताऊं, काऊ की अगर बात चल रही है यहाँ पे, काऊ तो हिंदू धर्म के अंदर बड़ा ही इसका महत्व है। आपने देखा होगा जिस गाय के नीचे इस तरह से खाल जो लटकी रहती है, बड़ी ही अच्छी चीज होती है, उसके बारे में एक वीडियो अलग से डाल देंगे आपको नॉलेज, देखना जरूर, ठीक है, गाय के बारे में। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या चीज है, ग्रास। पहले घास आएगी, ग्रास सबसे पहले क्या आएगी, घास। मान लो ये घास है, सबसे पहले घास आएगी। अब घास को कौन खाता है, काव, ठीक है, यहाँ एक काव आ गई, उसके बाद काव ने घास खा लिया, उसका पेट भर गया, अब वो क्या देगी हमें, बढ़िया सा दूध देगी, उसके बाद उस दूध का हम क्या करेंगे, दही जमा देंगे। दही किस किसने खाई है आज सुबह, किस किसने खाई है, भानु सर ने तो बहुत खाई है, बता रहे थे आज 300 रुपया के सर, मैं दही आकर खा के आ गया हूँ, तो आज मुझे थोड़ी सुस्ती थी, मैंने सुस्ती क्यों है, चलो ज़्यादा खा ली, हमर ले लिया थे, क्या बात है, हम भी खा लेते, चलो कोई बात नहीं, कल मंगा लेंगे। जो लास्ट में क्या बचा, बटर। अब तुमने देखा होगा आपकी मम्मी दही जमाती है, इकट्ठा करती है, उसे चलाती है,
मदानी या रही की मदद से तो आपका मक्खन निकलता है और उसके बाद क्या निकलता है, तो ये इसका राइट सीक्वेंस है। आपको इसको इस तरीके से लिखो 1 2 3 4 और ये, ठीक है। ऐसा मत कर देना मक्खन पहले लिख दो और दही बाद में जमो, ऐसा पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं। असल में एक एग्जांपल और दूं क्या, एक एग्जांपल और दूं, देने की जरूरत पड़ेगी? चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए आप थोड़ा सा हार्ड दे दें, थोड़ा सा हार्ड दें, चलो ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली कम्युनिटी मेंबर लोकैलिटी और कंट्री। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं यहां से और आप फटाफट जरा जल्दी से बताइएगा कि किस नंबर पे कौन सी शब्द आए। जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से करके बताओ भाई, आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। आया समझ में? सबसे पहले क्या आएगा, देखिए फैमिली होता है परिवार, और परिवार में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और मेंबर्स के बाद क्या होती है, लोकैलिटी, लोकैलिटी होती है, फिर कम्युनिटी होगी और फिर देश बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, सही है सीक्वेंस? हाँ जी सर सही है, बताइए। तो पहले क्या आएगा, मेंबर, सदस्य होने चाहिए, जब सदस्य हो जाएंगे तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली फैमिली बन जाएगी, और फैमिली यहाँ रहती है उसे कहते हैं लोकैलिटी, कि हम किस लोकैलिटी में रहते हैं भाई, किस क्षेत्र में रहते हैं, किस कॉलोनी में रहते हैं, तो ये चीज़ होती है लोकैलिटी की। और जब लोकैलिटी बन जाएगी फिर कम्युनिटी बन जाएगी, लोकैलिटी हो गई, 8-10 परिवार इकट्ठे रह रहे हैं अलग अलग घरों में, अब उसके बाद क्या बनेगी, ये कम्युनिटी बनेगी, भाई ये जाटों का मोहल्ला है, ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये उस बिरादरी का मोहल्ला है, कम्युनिटी बन के तैयार होगी आपके सफा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, देश बन के तैयार हो गया, कि भाई ये प्रांत बन गए, प्रांत बन गए, प्रांत बन गए, कि ये जो प्रदेश है ये उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर हिंदुत्व के लोग रह रहे हैं, महाराष्ट्र में हिंदुत्व के लोग रह रहे हैं, अलग अलग प्रांत बन गए, कम्युनिटी बन गई, सारी चीजें हो गई। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा, और होमवर्क जो आपका आएगा वो इमेजेस दूंगा, क्या दूंगा, इमेजेस, आपके पास इमेजेस आएंगी, उसको आपको क्या करना है, होमवर्क में करना, समझ आई बात। जब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, आपको समझ जरूर आया होगा, और उसका होमवर्क की इमेजेस आपके सामने दी जाएंगी, तब तक के लिए।